अभी अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश लोग जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है, उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 OBC। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। माननीय संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण, इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए, आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और माननीय और मंत्री, माननीय मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। माननीय सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, दादा नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। माननीय बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 27% है, ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। माननीय बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है 40% है, ये 33% की बात करते हैं। माननीय चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है चीटियां आकर पड़ जाना ठीक है, भैया मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए, और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया, उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार। और माननीय आज देश के 80 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, दवाई, गैस का सिलेंडर और खाने के लिए अनाज देने के बाद आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, माननीय ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग अलगते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी